जिस राजनेता ने अपने जीवन में अपमान के कई दंश झेले लेकिन रुका नहीं। जब मुख्यमंत्री बना तो देश में मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त करने वाला पहला राज्य बना बिहार। जब लोगों को रोजगार देने की बारी आई तो 9000 लोगों को कैंप लगाकर नौकरी बांट दी। यह काम आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सका। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा से अंग्रेजी को खत्म कर दिया था। लालू यादव इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आज भी माँ अपने बच्चों को इनकी ईमानदारी और सादगी का उदाहरण देती है। बिहारी बिजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे उस राजनीतिक योद्धा के बारे में जिसने अपने राजनीतिक जीवन में अपमान सहना पड़ा लेकिन बदलाव लाना उसकी फितरत थी, सो उन्होंने किया और दिखाया कि इस तरह से बदलाव किया जा सकता है। आज हम राजनेता के अपमान सहने से लेकर जननायक बनने तक का सफर के बारे में जानेंगे। इस दौरान इस राजनेता ने कई उतार चढ़ाव भी देखे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा, चाहे वह निजी जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन हो। उन्होंने एक ऊंचा मापदंड स्थापित किया। आज के जमाने में जब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पास छापेमारी होती है तो सभी के दिमाग में यही चलता है कि कितना पैसा होगा इसके पास, लेकिन इस राजनेता ने अपनी राजनीतिक जीवन में इतना पैसा नहीं कमाया कि वह अपने बच्चों के लिए एक मकान बना सके। आज भी इस ईमानदार राजनेता के बारे में किससे कहानियां लोग सुनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में आरक्षण की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। साल 1967 में जब वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस दौरान इनकी खूब आलोचना हुई लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुँचाया। कर्पूरी के उस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों को मजाक में लोग कर्पूरी डिवीजन के नाम से मजाक उड़ाते थे। इस दौरान वे प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे तो मिशनरी स्कूलों में उन्होंने हिंदी की पढ़ाई शुरू करवा दिया। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुक्त पढ़ाई की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। जब साल 1971 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को खत्म कर दिया। वे जब मुख्यमंत्री बने तो सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए शुरू करवा दिया। बिहार के पूर्व MLC और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मणि बताते हैं कि उस दौर में कहीं भी अगर अंतरजातीय विवाह की खबर मिलती तो वे वहां पहुंच जाते। वे चाहते थे कि बिहार के हर क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज अगर दबे कुचले और पिछड़ों को सत्ता में आने का मौका मिला है तो उनकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई। जब वे 1977 में मुख्यमंत्री बने तो मुंगेरीलाल कमीशन लागू करके राज्य को नौकरी में आरक्षण लागू करने के बाद हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए, लेकिन उन्होंने दबे पिछड़ों के हित की काम हमेशा करते रहा। उन्हें जब याद किया जाता है तो इस बात का जिक्र जरूर होता है कि उन्होंने कैंप लगाकर 9000 लोगों को नौकरियां बांट दी थी। कहा जाता है कि इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ इतनी नौकरी देने का रिकॉर्ड आज तक बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जब कर्पूरी ठाकुर के सादगी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है तो इस बात का जरूर जिक्र किया जाता है कि उनके बहनोई उनके पास नौकरी की सिफारिश के लिए पहुंचे थे। जब उन्होंने सिफारिश की बात कहा तो वे गंभीर हो गए और उन्होंने अपने पैकेट से 50 रुपये का नोट निकाल कर उन्हें दिया और कहा कि जाइए उस्तरा खरीद लीजिए और अपनी पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। इनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने एक बार बताया था कि 1952 में जननायक विधायक बने थे और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था लेकिन उनके पास कोट नहीं था। उन्होंने अपने दोस्त से कोट मांगकर वहां पहुंचे। जब वो यूगोस्लाविया गए तो वहां मार्शल टीटो ने उनका फटा हुआ कोट देख लिया और उन्हें एक कोट भेंट किया था। राजनीतिक जानकार आज उन्हें समाजवादी राजनीति के बड़े राजनेता के रूप में मानते हैं। जननायक का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में हुआ था और उनका निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। जननायक के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल के साथ गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन
तोड़कर निकल भी जाते थे। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि कर्पूरी ठाकुर आपको कैसे राजनेता लगते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।